हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ब्लॉक प्रोजेक्ट की सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर कैटेगरीज और सारे ब्लॉक्स को किस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहां पर कैटेगरीज का कंप्लीट क्रट देख लिया है, हमने ब्लॉक्स का कंप्लीट क्रट देख लिया है, और हम आज देखने वाले हैं कि डैशबोर्ड पर हम यहाँ पर किस तरीके से डेटा को फैच करके शो कराने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इसको चलते और स्टार्ट कराते हैं। तो इसमें जो रिसेंट रिपोर्ट है, इसकी जगह मैं सबसे पहले यहाँ पर शो कराऊंगा ब्लॉग्स, इसके नीचे मैं यहाँ पर कराऊंगा कैटेगरीज। तो यहाँ पर कोई अपडेट वगैरह कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ हमारा डेटा को यहाँ पर शो कराने के लिए होगा। तो चलते हैं, इसको सीखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, और लास्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका काउंट भी निकालेंगे कि हमारे पास कैटेगरीज कितनी है और हमारे पास ब्लॉग्स कितने हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं इसके अंदर। तो चलते गाइस, इसको सीखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डैशबोर्ड वाले पेज पर आऊँगा जो हमारा मेन डैशबोर्ड का पेज है, और इसके अंदर भी हम यहाँ पर सेम क्वेरीज का यूज़ करेंगे जो हमने कैटेगरीज को फैच कराने के लिए करी है और हमने जो यहाँ पर ब्लॉक्स को फैच कराने के लिए करी है। तो वही सारी सेम यहाँ पर हम चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। तो चलते हैं, इसको डैशबोर्ड के ऊपर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो पहली बात तो इसका हेडर सेट कर लेते हैं कि जब कोई डैशबोर्ड पर क्लिक करे तो डैशबोर्ड डॉट पी एच पी पर ये आ जाए। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डैशबोर्ड डॉट पी एच पी, तो इस पेज पर ये चला जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड डॉट पी एच पी पर आ जाए। तो रिसेंट रिपोर्ट की जगह सबसे पहला जो है हमारा, मैं यहाँ पर इसको सर्च कर लेता हूँ रिसेंट रिपोर्ट्स। तो ये हेडर के अंदर नहीं है, मुझे डैशबोर्ड के अंदर चेक करना है रिसेंट रिपोर्ट्स। तो अब यहाँ पर लिख देना मुझे ऑल ब्लॉग्स, या लिख सकते हैं आप ऑल रिसेंट ब्लॉग्स जो अभी रिसेंटली यहाँ पर डले हुए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर व्यू ब्लॉग्स करा है, तो व्यू ब्लॉग्स की जो भी सारी चीज़ें ना, सिर्फ हम कॉपी पेस्ट ही करना है बेसिकली हमें। तो मैं यहाँ से टी आर को कर लेता हूँ कॉपी, हमें यहाँ पर वही सारी चीज़ें दिखानी है बेसिकली। हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट ही करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम बार बार मेहनत नहीं करना चाहते। तो उसी पेज पर मैं यहाँ पर इसको शो कराऊंगा। अब इसमें मुझे कॉल स्पैन की ज़रूरत नहीं है एक्शन की, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी अपडेट वगैरह नहीं देना है, और यहाँ पर व्यू ब्लॉग्स है। तो व्यू ब्लॉग्स के लिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, जो भी ये व्यू करके ला रहा है, मतलब जो सिलेक्ट स्टार है यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इसमें सेट कर लेता हूँ। तो मुझे करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसी को इंक्लूड करा देना, ये आप जानते हैं अगर आप सीखते आ रहे हैं इसमें करते आ रहे हैं। तो सिर्फ मुझे यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉग लगा देना, और इसको कर देना पी एच पी को बंद, और जो चेक है नाम का वेरिएबल है वो बिल्कुल कम्प्लीट चल रहा है। और व्यू ब्लॉग्स में मैं यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ से टेबल की बॉडी से इसको उठाकर कंप्लीट टेबल की बॉडी हम यहाँ पर उठा लेते हैं। हमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट ही कराना आज, और नई चीज़ में भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, जो काउंट फंक्शन ये सब हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ की टेबल बॉडी हम कर लेंगे पूरी कंप्लीट कॉपी, और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। चलते हैं ब्राउज़र पर एक बार, रिफ्रेश करता हूँ, हमारे यहाँ पर रिसेंट जितने भी ब्लॉग्स थे वो सारे यहाँ पर शो हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर ये एडिट और डिलीट का बटन नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो टी डी है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो गाइज, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगर ये नहीं आता है तो नो कैटेगरीज की जगह मुझे लिखना है यहाँ पर नो ब्लॉग्स फाउंड। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर वही ब्लॉग्स आ चुके हैं। इस इमेज को थोड़ी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, छोटी कर लेते हैं। तो हमने जो विड्थ की स्टाइल से विड्थ तो दे दी है, और हाइट भी इसकी दे देते हैं एक बार। तो हाइट में दे देता हूँ यहाँ पर इसके 50 पिक्सल्स। चलते एक बार इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो 50 पिक्सल्स मैंने इसकी हाइट और विड्थ दे दी है। जितने भी ब्लॉग्स होंगे ये बार बार यहाँ पर रिपीट होकर मेरे पास आते रहेंगे। अब सेम चीज़ मुझे करनी है यहाँ पर कैटेगरीज के लिए, तो मैं यहाँ पर करूँगा ऑल रिसेंट कैटेगरीज, यहाँ पर कर लेते हैं ऑल रिसेंट कैटेगरीज। तो यहाँ पर रिसेंट कैटेगरीज के लिए मैं यहाँ पर व्यू कैटेगरी पर जाता हूँ, कोड यहाँ पर से कॉपी करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी वाला, व्यू ये डैशबोर्ड पे आता हूँ, और इसको यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। अब इसके वेरिएबल हमें बदलने पड़ेंगे, क्योंकि ये एकदम सेम हो रहा है, कोई भी इफ कंडीशन के अंदर नहीं। तो 22 लिख दो बस आप यहाँ पर, वो सारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो 22 यहाँ पर आ चुका है। तो व्यू कैटेगरीज पे हम आते हैं यहाँ पर, और ये जो टेबल है ये कम्प्लीट टेबल को हम यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी लगा दिया ब्लॉग्स, अब यहाँ पर से कम्प्लीट टेबल को हम कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। तो टेबल सूट टेबल यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका हमें यहाँ पर वेरिएबल्स को बदलना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, ये जो चेक टू है, इसको कर देंगे हम चेक टू, चेक वन की जगह
यहाँ पर आ जाएगा चेक टू, एक बार चलते हैं और रिफ्रेश करता हूँ तो देखता हूँ कैटेगरी आती है, तो बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट आ रही है, सारी चीज़ें आ रही है हमारे पास। इसका एक्शन को हमें यहाँ से कर देना है रिमूव, और यहाँ से इसका अपडेट डिलीट भी कर देना है यहाँ से रिमूव। चलते एक बार रिफ्रेश हूँ, परफेक्ट यहाँ पर मुझे शो कर रही है। तो हमारे पास सारे जितने भी ब्लॉग्स होंगे, रिसेंट कैटेगरीज होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। अब इसमें क्या है कि जो मुझे रिसेंट चाहिए वो रिसेंट आएंगे कैसे, तो मान लो इसमें जो अगर हमारा ब्लॉग्स के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पर मेरे पास बेसिकली क्या खुलेगी कैटेगरी, तो कैटेगरी रिसेंट तो वो होगी ना जो सबसे लास्ट में डली है, तो टेक्निकल न्यूज़ को सबसे ऊपर आना चाहिए, यहाँ पर टेक्निकल न्यूज़ को सबसे ऊपर आना चाहिए क्योंकि वो लास्ट में डला है। अगर हम रिसेंट चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पर तो डैशबोर्ड में वही पहले चीज़ें आती है जो सबसे लास्ट में डली। तो सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो कैटेगरी है ना इस पर वेयर कंडीशन लगा देनी है, वेयर की जगह सॉरी मैं यहाँ पर आपको लिखना ऑर्डर बाय, आपको लिखना है यहाँ पर ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग हमें डालनी है आईडी, तो आईडी हमारी जो यहाँ से इंक्रीमेंट होती जाएगी तो बढ़ती जाएगी, तो ऑर्डर बाय आईडी, तो यहाँ पर ऑर्डर बाय आईडी हो जाएगा। बट हमें चाहिए एज अ डिसेंडिंग में, मतलब छोटे से बड़ा, सॉरी बड़े से छोटा, तो बड़ी आईडी सबसे ये होगी फिर सारी यहाँ पर छोटी होगी। रिफ्रेश करता हूँ इसको तो लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर आना चाहिए, MySQL पैरामीटर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे पास, इसकी ऑर्डर बाय आईडी नहीं होगी कैटेगरी आईडी होगी, तो उसको कैटेगरी आईडी कर देते, इस वजह यहाँ पर ये एरर दे रहा है। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर और बिल्कुल टेक्निकल न्यूज़ सबसे ऊपर आ चुका है, लेटेस्ट न्यूज़ सबसे नीचे आ चुका है, और आपने देखा होगा सीरियल नंबर हमारे बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, बट जो रिसेंट डली है वो है टेक्निकल न्यूज़, फिर एंटरटेनमेंट, देन वायरल, देन स्पोर्ट्स, देन लेटेस्ट, और यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा है, तो हम रिसेंट में ऐसा ही दिखाते हैं। सेम हमें यहाँ पर ब्लॉग के लिए भी करना है, तो ऑर्डर बाय इसको बिल्कुल कंप्लीट कॉपी करना है हमें, तो हमने तो अभी एक ही ब्लॉग डाला है, ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी डिसेंडिंग, तो अभी डिसेंडिंग के थ्रू ये वैसा ही दिखने वाला है क्योंकि एक ही ब्लॉग है। दूसरा ब्लॉग अगर ऐड कर देते हम, ऐड ब्लॉग के अंदर आते हैं तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ न्यू ब्लॉग, कैटेगरी डाल देते हैं इसकी अनडिफाइंड इंडेक्स, यहाँ पर आ रही है ब्लॉग का डेटा, यहाँ पर ही बिल्कुल ये बेकार आ रहा है एकदम, यहाँ पर एड ब्लॉग पे तो चल नहीं रहा है, शायद हमने डाला था, बट ये अनडिफाइंड वेरिएबल क्यों आ रहा है एक बार देख लेते हैं यहाँ से, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर वैल्यूज़ आनी चाहिए, तो मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। और ये अनडिफाइंड इंडेक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जब एडिट पर लेकर आएंगे एड ब्लॉग्स पर, तो यहाँ पर हमने शायद वैल्यू शो कराई है, तो इसके चक्कर में ये आ रहा है, तो हमने सिलेक्ट के अंदर तो यहाँ पर कराया ही नहीं था, तो अब सिलेक्ट के अंदर भी यहाँ पर सेम चीज़ हमें यहाँ पर अप्लाई करनी होती है कि अगर यहाँ पर नहीं आ रही वैल्यू तो हम कैसे करें यहाँ पर, तो सिंपली हमारे पास भी यही ऑप्शन होता है, इसको नल रखें। एक बार चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर इधर भी लगाना पड़ेगा यहाँ पर, अगर ये कैटेगरीज नेम अगर ये चेक नहीं करता है तो हम इसको नल भी रख सकते हैं कैटेगरी नेम का, और एक बार चलते हैं इसको ट्राई करके देखते गाइस, काफ़ी सारे तरीके हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट मेरे पास शो हो रहा है टेक्निकल न्यूज़। और हम यहाँ पर एक और चीज़ इस पर कर सकते हैं कि अगर आप ये चीज़ ना लगाओ तो इसकी जगह हम यहाँ पर एक एल्स ऑप्शन लगा सकते हैं, तो भाई अगर ये डेटाबेस से आ रहा है तो ये ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, अगर यहाँ पर ये सिलेक्ट हो रहा है तो ये सिलेक्टेड होगा अगर ये कंडीशन है, तो एल्स यहाँ पर हमें क्या शो कराना है वो भी हम यहाँ पर इसके अंदर डाल सकते हैं, तो एक बार चला के देखते हैं कि चलता है ये इसमें किस तरीके से। तो हम डालेंगे एल्स, और एल्स के अंदर मैं इको में कर देता हूँ यहाँ पर ब्लैंक, तो एक बार देखते हैं कि ये काम करता है, तो रिफ्रेश करता हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर ये अनडिफाइंड वेरिएबल, इसको तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा एज अ ब्लैंक। रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी यहाँ पर ये दे रहा है, तो कंडीशन यहाँ पर चेक करने की जगह हम यहाँ पर इस दोनों को इतना लंबा करने की जगह मैं इसको वापस से कर देता हूँ, हम यहाँ पर एक एल्स पार्ट में लगा देते हैं, अगर ये एज अ नहीं आता है, अगर ये कंडीशन चल रही हमारी जो वाइल वाली लूप है इसके अंदर अगर नहीं चल रही है तो ये आ जाए एल्स, यहाँ पर क्या हो हमारे पास यही डेटा फिर से शो हो जाए एल्स के अंदर, फिर से वो वाइल के अंदर मैं इस डेटा को फिर से यहाँ पर शो करा देता हूँ, बट इस दिस टाइम मेरे को यहाँ पर ये इफ़ कंडीशन नहीं लेनी है। इसके बाद हम आगे इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे कि इसको हम और कैसे तरीके से कर सकते थे, तो वो सारी चीज़ें हम आगे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में सीखेंगे। और यहाँ पर वैल्यू हो चुका है PHP, यहाँ पर कैटेगरी नेम आ चुकी है, तो यहाँ पर इसको करना पड़ेगा बंद। एक बार करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पर अब हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो अब ये कंडीशन किस तरीके से चलेगी हमारे पास,
तो यहाँ पर से तो डेटाबेस की वैल्यू आ रही है, तो अब यहाँ पर भी एक कंडीशन चलानी पड़ेगी हमें। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो मेरी ब्लॉक की कैटेगरी आ रही थी, जो पहले से कैटेगरी आ रही थी, अगर ये मेरी नॉट एम्प्टी है, तो अगर ये खाली नहीं है तो जाके इस वाले को चलाए, अदरवाइज ये एल्स इस वाले को चलाए। रिफ्रेश करते हैं एक बार और चेक करते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आ रहा है कि भाई अगर ये ब्लॉक के अंदर कैटेगरी आपकी आ रही है डेटाबेस से तो ठीक है, तो ये वाली चीज़ चलाए, एल्स ये सिर्फ डेटाबेस की वैल्यू को यहाँ पर शो कराए। तो गाइस इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इमेज तो हमारी है ही नहीं अभी, तो वो तो ब्लैंक ही आएगा। तो ब्लॉक टाइटल में लिख देता हूँ यहाँ पर न्यू ब्लॉग, जो कि हमारे पास स्पोर्ट्स न्यूज़ डाल देते हैं, और ऑथर यहाँ पर हमारे चैनल का नेम ही, इमेज यहाँ पर कुछ अपलोड कर देते, इस वाली इमेज को यहाँ पर डाल देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं हेलो PHP, कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और आगे जब हम ब्लॉग अच्छे से क्रिएट करेंगे तो डेटा तो हमारा आने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी है, इस इमेज की भी हम यहाँ पर हाइट दे ही देते हैं। एक बार जब आई गए इस पेज पे, तो व्यू ब्लॉग्स पे आता हूँ और यहाँ पर देता हूँ इसकी हाइट, जो कि होगी 50 पिक्सल्स की। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर भी 50 पिक्सल्स इस पे परफेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी है हमारे पास, और एक बार अब आते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे अब जो लेटेस्ट डाला वो पहले आना चाहिए, जो कि था हमारा न्यू ब्लॉग। यहाँ पर आते हैं ब्लॉग्स पे, लेटेस्ट जो भी डाला न्यू ब्लॉग मेरा ऊपर शो होने लगा। तो गाइस इसी तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को दिखाते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर इसके जो डैशबोर्ड है, तो मेंबर्स ऑनलाइन की जगह मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, कंट्रोल एफ, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मेंबर, ये डैशबोर्ड पे चलते हैं। मेंबर्स ऑनलाइन की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल ब्लॉग्स, यहाँ पर लिखता हूँ टोटल ब्लॉग्स, मैंने यहाँ पर टोटल ब्लॉग्स लिख दिया, और यहाँ पर हम ब्लॉग को काउंट करा देंगे। और यहाँ पर हम क्या कराएंगे, टोटल कैटेगरीज की कितनी कैटेगरीज हैं हमारे पास, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर काउंट करके इसमें दिखाने वाले हैं। इसको अभी हम छोड़ देते हैं, आगे यूज़र अगर बनाएंगे तो उसके अंदर देख लेंगे। तो अभी यहाँ पर टोटल ब्लॉग्स और टोटल कैटेगरीज होंगी हमारे पास, तो चलते इसको कैसे फाइंड करना है। तो हमारी क्वेरी जो आ रही है बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अब इसी क्वेरी के साथ हमें एक और चीज़ लगा देनी है, जो कि हमारे पास क्या होगा, ये जो चेक आ रहा है इसका एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर चेक आ रहा था। ये माई स्किल आई फैच अशोक, जो कि रिजल्ट से था, इस चीज़ को हम ऊपर भी रख सकते थे, बट मैं आपको एक सेपरेट इसकी क्वेरी बता देता हूँ। तो इसको कर लेते हैं एक बार कॉपी, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, और एक बार बिल्कुल इसके इधर ही लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। मैं उसी में क्वेरी में भी कर सकता था, बट जैसा मैंने आपको बताया, एज अ बिगिनर आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ों से कन्फ्यूज ना हो, तो मैं इसलिए इसको सेपरेट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर PHP लगाया मैंने, और इसको कर दिया यहाँ पर क्लोज। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर टोटल, आप मान लीजिएगा यहाँ पर ये टोट मैंने इसीलिए लिखा है, और यहाँ पर लिख देंगे टोट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल ब्लॉग्स। तो ये हमारा चेक होएगा टोटल ब्लॉग्स के लिए, ये क्वेरी हमारी रन होगी। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा MySQLi _ fetch asoc, और यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर टोटल ब्लॉग्स। तो ये टोटल ब्लॉग्स को यहाँ पर लेकर आएगा, और हम कैसे यहाँ पर इस चीज़ को इको ही करा लेते हैं, इस सेम चीज़ को इतना लंबा हम आगे इसमें लिखें, PHP इको वगैरह इसको वेरिएबल में डालें, सब बढ़िया। हम इसको क्या करा लेते हैं, इको इसको यहीं पर करा लेते हैं, PHP इको को यहाँ पर हो चुका है MySQLi fetch asoc। यहाँ पर अब एक चीज़ करनी पड़ेगी हमें, सेलेक्ट स्टार की जगह लगाना है यहाँ पर सेलेक्ट, यहाँ पर हमें जो फैच लेना, मतलब जो डेटा हमारे पास आएगा उसको हम एज अ क्या रख लेते हैं, BOL टोटल ब्लॉग टोटल, और इसके अंदर से हमें क्या चीज़ चाहिए कि कितने ब्लॉग्स हैं हमारे पास। तो अब इसको करने के ना काफ़ी सारे तरीके का, इसको हम क्या करते हैं एक वेरिएबल के अंदर ही रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबाई हो गया है, तो यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर बेसिकली टोटल ब्लॉग्स की यहाँ पर चेक करा लेंगे। तो अब इसके अंदर से मुझे यहाँ पर क्या कराना है, बेसिकली ये जो है ना MySQLi fetch asoc, इस डेटा की अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसकी रोज ही तो चेक करानी है, MySQLi num _ रोज, MySQLi num _ रोज, और रोज किसकी चेक करानी है एज अ टोटल ब्लॉक्स की, कंट्रोल सी देन कंट्रोल, यहाँ पर कर लेता हूँ अब इसको कट, और यहाँ पर इसको कर लेता हूँ पेस्ट। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है एक्सेप्ट वन पैरामीटर MySQLi,
तो यहाँ पर क्या है, MySQL क्वेरी चल चुकी है, टोटल यहाँ पर टोटल ब्लॉग्स यहाँ पर आ चुका है, MySQL नम रोज बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट आ रहा है, MySQL नम रोज, बट यहाँ पर एक एरर जनरेट कर रहा है, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, इसकी जगह हम यहाँ पर इसको एक बार सिर्फ ब्लॉग्स ही करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉग्स, और एक बार आप चला के देखते हैं इसको। तो यहाँ पर अभी भी आ रही है इस लाइन नंबर 68 में, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है MySQL नम रोज में, जो कि हमारा टोटल ब्लॉग्स है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए यहाँ पर, और MySQL नम रोज का यहाँ पर काम यही होता है कि इसको चेक करके दिखाता है कि हमारे पास कितनी रोज हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉग्स, एक बार हमारा टेबल का नाम जो कि ब्लॉग्स है बिल्कुल परफेक्ट है, और यहाँ पर एक बार MySQL अंडरस्कोर फैच एसोक टोटल ब्लॉग्स। अब इसको अगर मैं कराऊंगा तो गाइस ये इस पे सेम क्या लेगा, इसका डेटा देगा, तो हमारा जो मेन काम है ना वो इसका नमरोज को ही चेक करना, तो ये नमरोज ही मुझे यहाँ पर चेक करके बताएगा। इस PHP को मैं यहाँ से कर देता हूँ बंद, शायद इसी चक्कर में इसने मेरे को प्रिंट नहीं करके दिया। चलता एक बार रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, MySQL नम रोज, एक बार इसको यहाँ प्रिंट करा के देखते हैं ये देता क्या है। चलता एक बार फिर से करता हूँ इसका रिफ्रेश, अनएक्सपेक्टेड, तो गाइस कहीं से तो ये एरर जनरेट कर रहा है, इसको एक बार बंद करते हैं। चलता एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर अभी भी कह रहा है कि एक पैरामीटर यहाँ पर इसको पास करना पड़ेगा MySQL क्वेरी में। तो गाइज मैंने यहाँ पर स्टार नहीं लगाया, इस वजह से क्वेरी मेरी गलत हो रही है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉग्स मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर दो ब्लॉग्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अब इसी को हम करा लेते हैं इको यहाँ पर, और यहाँ से इसको हटा देते हैं और इधर करते हैं इसको इको MySQL नम रोज। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर दो मेरे पास आ चुका है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कराएंगे, कैटेगरीज को भी शो कराएंगे। तो यहाँ पर करता हूँ कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर लिख दूंगा कैटेगरी, कैटेगरीज के अंदर ये लेकर आएगा टोटल कैटेगरीज, और यहाँ पर जो लिखूंगा मैं टोटल कैट, तो टोटल कैट भी हमारे पास वही सेम, इसी को कर लेते हैं यहाँ पर नमरोज। यहाँ पर करता हूँ इसको यहाँ से सेलेक्ट करके मैं इसको करता हूँ पेस्ट, और इसकी जगह कर देता हूँ यहाँ पर टोटल कैट। चलते हैं एक बार ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ, तो कैटेगरीज भी मेरे पास यहाँ पर 5 शो होने लग गई है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर इसका काउंट करते हैं इन चीज़ों को, और हम डेटाबेस के डैशबोर्ड से लेकर इसकी सारी चीज़ों को हम यहाँ पर किस तरीके से डिस्प्ले कराते हैं एज अ रिसेंट में। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।